morning. Myself Asta Pandey from Somerville School, Mahumya Branch, Nagpur. My topic is how to maintain oxygen level of our body naturally. I will also going to tell you how to get relief from stress. How can oxygen level will be controlled? When you are calm, deep breathing becomes easier. Stress level lowers and your oxygen level can improve. You can try meditation, yoga, positive thinking, exercise and writing in a journal to help you relax, breathe and improve your oxygen level. So, let us watch how oxygen level can be controlled by yoga postures and pranayam, demonstrated by our yoga adhyapika, Mrs. Savita Mishra ma'am. Hello, Vastu. आज के इस योगा के सोपान में मैं सविता मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार हम लोग अभी तक कई आसन और प्राणायाम करते आए हैं, आज हम प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम। करने की स्थिति वैसी है, दंडासन की स्थिति में आइए, उसके बाद सुखासन पे चाहे तो सुखासन पे बैठिए, पद्मासन पे बैठिए या वज्रासन पे बैठिए। मैं आपको वज्रासन में अनुलोम विलोम करके दिखाती हूँ। क्या करना है, दंडासन की स्थिति लगानी है, दोनों पैर सामने, राइट पैर को मोड़ते हुए पीछे लेके आना है, उसी तरह लेफ्ट वाले पैर को मोड़ते हुए पीछे लेके आना है। अब राइट वाले हैंड की उंगलियों को लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल पर रखना है और राइट वाले थंब को राइट वाले नॉस्ट्रिल पर। ये रहेगा, ये वाली उंगली आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे और ये वाली आपकी राइट नॉस्ट्रिल पे, ठीक है। जब आप इस नॉस्ट्रिल से यहाँ से सांस लेनी है और यहाँ से निकालना है, ये क्रिया हमें 5 मिनट तक करनी है, ठीक है। आप रख सकते हैं, राइट वाले नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, लेफ्ट से निकालनी है, फिर लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, राइट से निकालनी है। इसे हम कंटिन्यू 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसे करने से आपके अंदर के जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो सारी समाप्त हो जाती हैं। इससे आपका मस्तिष्क अच्छा हो जाता है, एकाग्र चित्त बढ़ता है और काफ़ी सारे फायदे हैं। इसे हम रेगुलर करेंगे, ठीक है। नमस्कार, आज के योगा सेशन में मैं सविता मिश्रा आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने आसन सीखा है, आज हम करेंगे प्राणायाम। आप प्राणायाम किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। मतलब आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। मैं आपको वज्रासन करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्या करना है, आपको पुनः दंडासन की स्थिति में बैठना है, ठीक है, और राइट वाले पैर को मोड़ते हुए पीछे ले जाना है, लेफ्ट वाले पैर को मोड़ते हुए पीछे ले जाना है। इस तरह आप वज्रासन की स्थिति में बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। ये आसन सबसे अच्छा आसन होता है, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। चाहे तो आप पद्मासन की स्थिति भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वज्रासन में ही प्राणायाम करके दिखाऊंगी, ठीक है। मैं आपको सामने करके दिखाती हूँ। हम पुनः ऐसे बैठेंगे और आज हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने की विधि और उसके लाभ से मैं आपका परिचय करवाऊंगी। सर्वप्रथम हमें किस टाइप से करना है हम वो बताएंगे। सांस को बाहर निकालना है और पेट को झटके से अंदर करना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 5 मिनट हमको करना है, 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक्स, ठीक है। मैं आपको करके बताती हूँ। धीरे धीरे आराम से
एक सेकेंड एक स्ट्रोक, सांस बाहर पेट अंदर, सांस पेट अंदर। आप हाथ रख के कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। कई लोग करते हैं गलत, कई करते हैं गलत। कैसे करना है, सांस बाहर पेट अंदर, ठीक है। ये आप करेंगे 5 मिनट। रेगुलर करने से आपके मस्तिष्क, आपके शरीर की जितनी व्याधियां हैं, जितनी तकलीफें हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी। शरीर और मस्तिष्क शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा। शुद्ध होने का मतलब है कि एकाग्रचित्त होकर हम अपने काम को सुचारू रूप से कर सकेंगे। तो ठीक है, हम लोग अब रोज करेंगे प्राणायाम, ठीक है। ओके, चलिए, नमस्कार। 5 टिप्स टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल नेचुरली। व्हेन द वेदर अलाउज, ओपन योर विंडो। एक्सेस टू फ्रेश एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग मोर इजीली। Grow green things, introducing live plants into your home will increase available indoor oxygen. Exercise, practice mindfulness, eat fresh and iron-rich food. Can stress affect your oxygen level? If you already have breathing problem like asthma, stress can make it even harder to breathe. Under stress, your heart can also pump faster. Stress hormones cause your blood vessels to constrict and divert more oxygen to your muscles, so you will have more strength to take action. 5 ways to get relief from stress and anxiety. Meditation. A few minutes of meditation of every day can ease stress. Laugh out loud. A good belly laugh doesn't just lighten the load mentally, but it also lowers your body stress and boosts brain. Crack up the tunes. Research show that listening to soothing music can lower blood pressure, heart rate and anxiety. Be grateful. Being grateful for your blessings cancel out negative thoughts and worries. Reach out. Your social network is one of your best tool to handle stress. Talk to others, preferably face to face or at least on phone. Share what is going on. You can get a fresh perspective while keeping your connection strong.